तो गाइज आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज नंबर 2.1 और अच्छे से करेंगे। आप अपने सामने एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिए, अगर नहीं खोल पा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कॉपी नोट डाउन कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ठीक है गाइज। बहुत ज्यादा गर्मी है दिल्ली में। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। और एक्सरसाइज नंबर 2.1 में जो हमारा क्वेश्चन है वो है सॉल्व द इक्वेशंस। और आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि आप इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व द इक्वेशंस और बहुत बेसिक से इक्वेशंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है आपका, वो है आपका x-2 = 7। देखिए गाइस इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि वेरिएबल वाली डिजिट कौन सी है और बिना वेरिएबल वाली डिजिट कौन सी है। तो देखिए x वेरिएबल वाली डिजिट है और 2 और 7 बिना वेरिएबल वाली डिजिट है। तो सबसे पहले हमें किसे देखना चाहिए, बिना वेरिएबल वाली डिजिट को देखना चाहिए। तो बिना वेरिएबल वाली डिजिट है -2 और 7, तो आप x को एज इट इज ऐसे लिख दीजिए और जो यहाँ पे 2 है इसको RHS में लेके जाएंगे तो यहाँ जो साइन है वो इधर जाकर के परिवर्तन हो जाता है यानी बदल जाता है। तो -2 इधर जाके बदल के क्या हो जाएगा, 7 प्लस में 2, तो x का मान कितना आ जाएगा, 8। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि y प्लस 3 बराबर है 10 के। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर y जो है वो वेरिएबल वाली डिजिट है और 3 और 10 बिना वेरिएबल वाली डिजिट है। तो सबसे पहले हमें किसे सॉल्व करना है, बिना वेरिएबल वाली डिजिट यानी 3 को इस तरफ लेकर के जाएंगे तो आपके पास y बराबर आ जाएगा 10 -3। -3 क्यों हुआ है दोस्तों, क्योंकि यहाँ प्लस में 3 था, RHS में लेके जाएंगे तो साइन जो है वो चेंज हो जाता है, तो प्लस 3 घर जाके हो गया -3, 10 में से 3 गया 7, तो y का मान आपके पास आ गया 7 यानी y की वैल्यू आ गई आपके पास 7। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपके पास 6 = z + 2। तो क्वेश्चन है आपके पास 6 = z + 2, यहाँ पे कुछ बदला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दे दिया, यानी ये चीज अब इधर लिख दिया और ये चीज अब इधर लिख दिया। क्या इससे कुछ परिवर्तन होगा यानी कुछ चेंज होगा, सवाल में कुछ चेंज नहीं होगा। आपको देखना है कि वेरिएबल वाली डिजिट कौन सी है और बिना वेरिएबल वाली डिजिट कौन सी है। तो जेड जो है वो वेरिएबल वाली डिजिट है लेकिन 2 और 6 बिना वेरिएबल वाले डिजिट है। तो हम सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे, बिना वेरिएबल वाले डिजिट को, यानी जेड और ये 2 इधर जाके चला गया, तो 6 में से 2 इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2, 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 4 बराबर जेड। देखिए दोस्तों अगर जेड बराबर 4 इधर ऐसे लिखा है, जेड बराबर 4 या 4 बराबर जेड, बात एक ही होती है लेकिन लिखने का सही ढंग यही होता है। तो कभी भी अगर ऐसा कुछ आ जाए तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, जेड बराबर 4, ठीक है, जेड बराबर 4, कोई अंतर नहीं है इसको लिखने में या उसको लिखने में, ठीक है, बात एक ही है। लेकिन हमेशा किताब में आपको इस तरीके से मिलेगा क्योंकि हम जो भी वैल्यू निकालते हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, ठीक है, यानी जिसकी भी वैल्यू निकालते हैं, कहने का मतलब ये है। तो इस तरीके से आपको अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 7/3 + x = 17/7। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका 7/3 + x = 17/7। एक बार क्वेश्चन मैच कर लिया जाए, जी बिल्कुल यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि वेरिएबल वाली डिजिट कौन सी है और बिना वेरिएबल वाली डिजिट कौन सी है। अच्छा तो देखिए यहाँ पे x वेरिएबल वाली डिजिट है लेकिन 3/7 और 17/7 ये दोनों ही ऐसी डिजिट है जो बिना वेरिएबल वाली है। तो सबसे पहले हम बिना वेरिएबल वाली डिजिट सॉल्व करेंगे, यानी x बराबर हो जाएगा किसके, x बराबर हो जाएगा दोस्तों 17/7 माइनस में, माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, कुछ नहीं होता इसका मतलब वहां प्लस का साइन होता है, यानी कोई भी डिजिट जब स्टार्टिंग में लिखी होती है तो अगर उसके साथ कोई साइन नहीं हो तो मान लीजिए कि उसके साथ प्लस का साइन है, अगर माइनस का होगा तो हमेशा दिया हुआ होगा, ठीक है। तो 3/7 प्लस का है, इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो 17/7/3/7। आप ध्यान से देखें तो डेनोमिनेटर हमारा सेम है, अगर डेनोमिनेटर सेम है तो इसका मतलब हमारा एलसीएम क्या है, सेम है, तो हम आसानी से लिख सकते हैं 7। और देखिए यहाँ क्या है 17, तो 7 आ गया, माइनस में 7 के टेबल में 7 वहीं पे, तो 3 आ गया, x बराबर हो गया आपके 17 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 14/7 और 7 के टेबल में 14 2 पे आता है तो 7 × 14। तो दोस्तों x का मान आपके पास कितना निकल के आ गया, 2। x का मान कितना निकल के आ गया दोस्तों, 2। और इसे आप लोग नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में,
आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर थोड़ा तेज हो रहा है तो वीडियो को आप डिले भी करके देख सकते हैं, सब ऑप्शन होता है यूट्यूब पे। लेकिन वीडियो को रोक करके जरूर कॉपी में जरूर उतारिएगा सॉल्यूशन। ये आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आप बच्चे बहुत नादान है, मैथ को भी याद करने की कोशिश करते हैं जो कि इम्पॉसिबल है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है आपका 6x = 12, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इसे सॉल्व कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पर वेरिएबल वाली डिजिट और बिना वेरिएबल वाले डिजिट कौन सी है, वेरिएबल वाली डिजिट ये है और बिना वेरिएबल वाले डिजिट ये है। क्या हमारे पास कोई और बिना वेरिएबल वाली डिजिट है, नहीं, तो इसका मतलब यहीं पर सवाल रुक गया। अब आगे कैसे करेंगे, तो आगे का प्रोसेस आपको पता है कि 6x के साथ गुणा में है, तो इसका मतलब इधर जाकर के वो भाग में हो जाएगा यानी डिवाइड में हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं x = 12/6 और 6 से 12 कट के 2 आ जाएगा, तो x का मान आपके पास 2 निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है t/5/10। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं आपसे, t/5 = 10 के। तो देखिए बहुत आसान सवाल है, आप देखिए तो वेरिएबल वाली डिजिट ये है, बिना वेरिएबल वाली डिजिट ये है। क्या यहाँ पे हम आगे बिना वेरिएबल वाली डिजिट को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो इसका मतलब 5 t के साथ क्या है, भाग में है यानी डिवाइड में है, तो इधर जाकर के वो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो हम t को क्या लिखेंगे, t को लिखेंगे हम 10 × 5, तो t का मान कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, 50। का मान कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, 50। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है 2x/3 = 18। बहुत ही सिंपल साधारण क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है 2x/3 = 18। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो चीजें हैं, 2x के साथ गुणा में है और 3x के साथ डिवाइड में है। तो हम कैसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। देखिए 3 अगर डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 2x = कितना हो गया, 18 गुना में कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया। अब 2x के साथ गुणा में है तो इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो x भाग में होगा 18 × 3। अब ये भाग में क्या 18 के होगा, क्या 3 के होगा, नहीं, ये भाग में होगा पूरे के, तो पूरे के नीचे हमने 2 लिख दिया। अच्छा ठीक है, 2 से 18 कट गया, कितने पे गया दोस्तों, 9 पे, क्योंकि 2 के टेबल में 18 कितने पे आता है, 9 पे। मैंने आसानी से काट दिया, क्यों काट दिया दोस्तों, क्योंकि इनके बीच किसका साइन है, गुणा का साइन होता है, मतलब हम किसी को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से 18 कट गया, कितने पे कट गया, 9 पे। अब 9 के साथ 3 गुणा में है यानी मल्टीप्लाई में है, तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, 27। 9 की 27 यानी 9 × 27। तो इस तरीके से आपने अगला क्वेश्चन सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पॉइंट में है दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ, आप बड़ी आसानी से कर लोगे अगर आपको पॉइंट वाले मल्टीप्लाई आते हैं, बचपन में सिखाए गए हैं। तो देखिए दोस्तों क्या कहता है, 1.6 = किसके दोस्तों, 1y/1.5। ये क्या है दोस्तों, y/1.5, ठीक है। चलिए मैं आपको सभी सिखाऊंगा, यानी पॉइंट वाले मल्टीप्लाई भी सिखाऊंगा इसी वीडियो में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका देखिए, यहाँ पे 1.5 y के साथ डिवाइड में है, इधर जाकर के गुणा में हो जाएगा। तो क्या मैं इस y को ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि y का मान निकालना है तो हमेशा y इधर लिखा जाएगा। तो ये हो गया 1.6 गुणा में 1.5, क्यों किया हमने गुणा, क्योंकि आपने देखा 1.5 यानी 1.5 y के साथ डिवाइड में है, तो वो 1.6 के साथ किस में होगा, मल्टीप्लाई में होगा। यहाँ लाइट की शिकायत आती रहती है दोस्तों, माफी चाहूंगा। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कह रहा था, y = 1.6 × 1.5 यानी यहाँ पर 1.5 यानी 1.6 के साथ मल्टीप्लाई में है। देखिए आप सिंपली यहाँ पर 1.6 × 1.5 करेंगे तो आप सीधा 16 को 15 से गुणा कीजिए, 16 को 15 से, पॉइंट को मत देखिए, अगर आपको नहीं आता है, आता है तो अच्छी बात है। 5 × 6 = 30 का 0 3 क्या ही रख गया, 5 × 5 = 5 और 3 जोड़ दिया तो आपके पास कितना आया, 8 आया। मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए बिल्कुल वैसा जैसे कि हम डिवाइड करते हुए आते हैं। अब देखिए फिर भी बार बार लाइट जा रहा है, मैं कोशिश करता हूँ इसे ठीक करने की, तो मैं उम्मीद करता हूँ लाइट नहीं जाएगी, तो चलिए देखते हैं। तो ये हो गया आपके पास, 1 को 6 से करेंगे तो आपके पास कितना आएगा दोस्तों, 6 ही आएगा, और 1 को 1 से करेंगे 1 ही आएगा, 0 8 6 14 4 1 2 यानी 2 4 0। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, और यहाँ भी पॉइंट दीजिए, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट। तो पॉइंट के बाद टोटल कितने डिजिट हो गई, 2 डिजिट हो गई। तो 2 डिजिट बाद इधर से काउंटिंग करते हुए पॉइंट लगा दीजिए, यानी 1 और 1 2, और आंसर हो गया 1 2.40।
जीरो नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, आंसर आ गया आपके पास 2.4। क्या हो गया 2.4। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, वाई का मान निकल के आ गया दोस्तों। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो है आपका 9th क्वेश्चन। सारे ही क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, डरने की कोई बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है, 7x - 9 = 16। और जो कि हमने कॉन्सेप्चुअल वीडियो में ऐसा सवाल सॉल्व किया है, आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए 7x बराबर हो गया, ये बिना वेरिएबल वाली डिजिट है, सबसे पहले हम इन्हें सॉल्व करेंगे। माइनस 9 इधर जाके प्लस 9 हो जाएगा, तो 16 में इसे हम क्या करेंगे, 9 को जोड़ देंगे। तो 7x बराबर हो जाएगा, 16 में 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 से 15 यानी 25 आ जाएगा। यहाँ x के साथ साथ गुणा में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 25/7। अब क्या ये डिवाइड करके आप लिख सकते हो, तो आप डिवाइड करके भी लिख सकते हो, वरना आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। अगर टीचर काटती है तो वो बुरी टीचर है, नहीं ऐसा नहीं है, हम आपको पहले ही वार्न कर देंगे, ठीक है, कोई टीचर बुरी नहीं होती। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन है, 14y - 8 = 30। तो 14y = हो जाएगा आपका 13+8, ये 8 इधर जाके प्लस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों प्लस, क्योंकि माइनस 9 है। आप समझदार है, आप समझिए, 14y = आप इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21। तो y = हो गया 21/14। क्या ये 7 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 7 3 = 21, 7 2 = 14। तो आंसर आ गया आपके पास y = 3/2। बिल्कुल अगर कट रहा है तो आपको उसे काटना होगा, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, उतार दीजिए सॉल्यूशन, वीडियो रोक करके, अगर कोई तेजी हो जाती है वीडियो समझ में, मतलब कोई सवाल समझाने में, तो आप बिना गुरेज किए हुए मुझे बता सकते हैं, ठीक है। कुछ लफ्ज हमारे उर्दू के हो गए, तो 17+6p = 9। एनसीईआरटी की बुक ओपन करके रखिए, अगर क्वेश्चन समझ में दिक्कत हो रही है। 17+6p = 9। अच्छा देखिए, ये बिना वेरिएबल, ये बिना वेरिएबल, बिना वेरिएबल वाले को तरफ ले जाओ, तो 6p = हो गया 9 - 17। अच्छा, छोटे में से बड़ा घट गया, तो 6p = हो गया -8 के, क्योंकि 17 में से 9 गया तो क्या बचा, 8 बचा। तो यहाँ 6 इसके साथ गुणा में है, इधर जाके तो भाग हो जाएगा, तो बच गया 8/6। 8/6 मतलब 2 से कट गया, 2 * 4 = 8, 2 * 3 = 6 यानी 2 * 4 = 8, 2 * 3 = 6। तो p का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, -4/3, और ये आपका आंसर है। उतार लीजिए, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चन को नोट डाउन कर रहे होंगे अपनी कॉपी में। और आखिरी क्वेश्चन, x/3 + 1 = 7/15। यही क्वेश्चन है आपका, एक बार मैच कर लेते, बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे देखिए, तो x बटे 3 को एक उधर ही रहने दीजिए, बिना वेरिएबल वाले को पहले सॉल्व करना होता है, 1 को इधर लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं। 7/15 माइनस हो गया 1 के, तो x बटे 3 हो गया आपके। देखिए यहाँ 1 के नीचे क्या है, 1, अगर कोई डिजिट है उसके नीचे आराम से 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 15 और 1 कैल्सियम लेंगे दोस्तों, कितना आएगा, 15 आएगा। 15 के टेबल में 15 कितने पे आता है, 1 पे आता है, इसका मतलब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 माइनस 1 के टेबल में 15 कितने पे आता है दोस्तों, 15 पे ही आता है, 1 15 + 15। अच्छा जितने पे आता है उतने से उसके ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 1 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 15, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया x बटे 3 बराबर में। आप ध्यान से देखिए, 17 में से 15 गया, तो यानी छोटे में से बड़ा घट रहा है, ऊपर ध्यान दीजिए, छोटे में से बड़ा घट रहा है, छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो माइनस का साइन आएगा, यानी 15 में से 7 गया तो दोस्तों कितना बचा, 8 बचा, यानी x बटे 3 यानी 8/3 बच गया 15, यहाँ माइनस का साइन आ गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 3x के साथ डिवाइड में है, इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं x बराबर में हो गया -8/15, ये 3 भाग में था, इधर जाकर के गुणा में हो गया। क्या हम इसे काट सकते हैं, काट सकते हैं, 3 से 15 कट गया 5 पे, यानी x का मान आ गया -8/5। और अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कीजिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उन्हें भी मैथ सीखने में दिक्कत हो रही है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। तो एक्सरसाइज 2.1 हमने देखा, इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1। लेकिन 2.1 देखने से पहले हम देखेंगे उस 2.2 के कुछ कॉन्सेप्चुअल पार्ट। ओके गाइस, थैंक यू।